उसमें जो अगली पावर या अगली जो शक्ति हम लोग पढ़ेंगे वो है आपकी संविधान में संशोधन की शक्ति। एक हो गई थी तो दूसरी है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में जो ज्यादातर संशोधन है वो केवल संसद के द्वारा किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन प्रस्ताव केवल संसद में लाए जा सकते हैं। केवल संसद में लाए जा सकते हैं। दूसरा है संविधान का ज्यादातर भाग संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किया जा सकता है इसके लिए जो है आपका बहुमत होना चाहिए, वो टू थर्ड होना चाहिए। इसके लिए बहुमत कितना होना चाहिए? टू थर्ड या दो तिहाई बहुमत होना चाहिए। एक पॉइंट और लिख सकता है, कुछ भाग राज्यों की सहमति से संशोधित किया जाता है। राज्यों की विधानसभा विधानसभा की सहमति से संशोधित किया जाता है। देखना है बात दोबारा, ध्यान से दोबारा सुनना और ध्यान से समझना। संविधान में संशोधन की शक्ति, तो अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो इसका प्रस्ताव केवल संसद में लाया जा सकता है। केवल कहां लाया जा सकता है? संसद में ही इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा संविधान का जो ज्यादातर भाग है वो केवल संसद द्वारा या अधिकतर इसका भाग संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संविधान को संशोधन करने के लिए जो बहुमत है वो टू थर्ड होना चाहिए। बहुमत कितना होना चाहिए? टू थर्ड होना चाहिए। इसके अलावा संविधान के कुछ भाग जो है राज्यों की सहमति के द्वारा भी संशोधित किए जाते हैं या किया जाता है। कोई समस्या है क्या? नोट कर लो, हो गया, रफ कर दूं।
पूरा नोट लो, पूरा समझ लो, उसी के बाद आप लोग जो है कहा करो। टू थर्ड, दो तिहाई, हाँ दो बटा तीन, यानी कि अगर 100 वहां पर परसेंट है तो उसका है? या नेटवर्क की समस्या, वरना हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिल्कुल साफ आती है आपके, वो थोड़ी बहुत नेटवर्क, हाँ कोई नेटवर्क की समस्या आती है वो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग पीस वाली है, उसमें फिर आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी आती है, उसमें बहुत अच्छे साफ तरीके से दिखता है। रफ कर दूं है क्या? हाँ 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 ये समझा था। टू थर्ड का मतलब है जैसे वहां पर प्रेजेंट कितने हैं, संसद में मान लो 100 सांसद प्रेजेंट है तो उसका टू थर्ड होगा, टू थर्ड मतलब कितना, 66 हो गया 100 का टू थर्ड। तो जब तक 66 का वोट नहीं होगा आपका संविधान में संशोधन नहीं होगा, तो संविधान में संशोधन करने के लिए आपका जो है बहुमत कितना होना चाहिए, मेजोरिटी, टू थर्ड आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? तीसरी आ गई आपकी इसकी वित्तीय शक्तियां, वित्त पर संसद का अधिकार होता है, वित्त पर संसद का अधिकार होता है। यहां तक कि जो है आपका वित्त मंत्री द्वारा बजट सब वित्त मंत्री द्वारा बजट संसद के संसद में प्रस्ताव के बाद ही लाया जाता है। इसके अलावा जो है आपका पूरा जो आय और जो व्यय होगा वो भी जो है संसद के बिना स्वीकार नहीं किया जाता, आय या व्यय संसद के बिना स्वीकार नहीं किया जाता। दोबारा समझ लेना आप लोग जो है, वित्तीय शक्तियां, वित्त पर संसद का अधिकार होता है, पूरा जो वित्त है उस पर किसका अधिकार होता है, संसद का अधिकार होता है। एवं यानी कि जब वित्त मंत्री आपका बजट सुनाएगा या बजट लाएगा तो उससे पहले वो कहां से लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए या संसद से वह पास होना चाहिए तभी बजट लाया जा सकता है। उसके अलावा आपको कुछ भी खर्च करना है या कुछ भी आपका आय होती है तो वह संसद की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकती। धन्यवाद, नोट लो इसे, कर लिया।
हाँ करवा रहा हूँ। कोई समस्या हो तो पूछो बीच में, कोई भी समस्या है मैम। हाँ वित्तीय धन से संबंधित शक्तियां वित्तीय। नहीं किया जाता है। आय और व्यय से संबंधित कोई भी प्रस्ताव, कोई भी प्रस्ताव संसद की स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं किया जाता है। हो सकता है थोड़ी चेंज हो है जो पहले लिखा हुआ था जो मुझे लिखा है वो, लेकिन मतलब ये किया है। चौथा आ गया प्रशासनिक शक्तियां। चौथा कौन सा आ गया? प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्ति हमने पढ़ा था व्यवस्था पिता या कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है? कार्यपालिका के कौन कौन से सदस्य हैं? कौन कौन से कार्यपालक? शाबाश, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री शाबाश, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, और महाधिवक्ता। देखो आप एक चीज समझना, उसके बाद में उसकी एक ही लाइन लिखना, आप लोग उस चीज को समझने की कोशिश करना। ये आपका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हो गया, ठीक है? यानी जो भी काम किया जाएगा इनके द्वारा ही किया जाएगा। मंत्री परिषद जो है अलग अलग हो गए, कोई रक्षा से संबंधित हो गया, कोई वित्त से संबंधित हो गया, कोई गृह विभाग से संबंधित हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन से संबंधित मंत्री हो गया, कोई स्वास्थ्य से संबंधित मंत्री हो गया। आ रही बात समझ में? देखना अरे समझ रहे क्या? हाँ ना तो बोलो। तो जैसे मान लो कोई भी मंत्री है वो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री ने कोई भी काम करने के लिए, अभी हमने वित्तीय शक्ति पढ़ी थी, हजार हजार करोड़ रुपए जो है संसद से या जो संसद का जो आपका कोष है उससे निकलवाए और कुछ काम वगैरह किए, किए कुछ काम, वो काम कुछ भी हो सकते हैं, वित्त से संबंधित कोई योजना में पैसा लगाया, कोई किसी को पेंशन दी, कोई भी काम हो सकता है, किसी स्वास्थ्य में उन्होंने पैसा दिया, तो वित्त मंत्री। अब मान लो ये पैसे लगा दिए, समझ गए कि यहां तक? अब लोकसभा वापस आएगी, अब कौन आएगी वापस? लोकसभा का सेशन होगा या अधिवेशन होगा लोकसभा का, सुन रहे हो आप? तो उस समय, अब बात की ध्यान सुनना, उस समय लोकसभा के सदस्य वहां पे जो भी मंत्री परिषद होगी, चाहे वो वित्त मंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो, उनसे वो सवाल जवाब करेंगे। उनसे क्या करेंगे? सवाल जवाब। वो सवाल जवाब किस तरह के हो सकते हैं कि आपने पैसा कहाँ लगाया, आपने पैसा किस तरीके से खर्च किया, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, आपने
नहीं किया। तो इस तरीके के जो है प्रश्न संसद इन मंत्रियों से पूछ सकती है। आइए बात समझ में। हेलो, तो अब इन मंत्रियों को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो कार्यपालिका है, अब पूरा देना, उस ये बात जो हमने समझी उसका पूरा निचोड़ देना। कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होती है या उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। समझ गए क्या? या एक दूसरा उदाहरण देके समझो, और दूसरा देके समझो। जैसे उदाहरण के लिए जो है अपने किसी स्कूल का एग्जाम्पल, वहां पर डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने एक प्रिंसिपल बना दिया है ना, तो प्रिंसिपल की पावर क्या क्या होगी कि वह जो है टीचर्स का ध्यान रखना, बच्चों का साथ, तो ये प्रिंसिपल की पावर होगी। इसके साथ साथ डायरेक्टर पूछ भी सकता है उस प्रिंसिपल को कि आपने ये काम कैसे किया, ये काम कैसे किया, ये काम कैसे किया, तो यानी कि उसको उत्तर देना पड़ेगा। तो वही बात होगी, आपके मंत्री परिषद जो भी काम करेगी तो उनको उन काम के लिए संसद में जवाब देना पड़ेगा या वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए आसन में लोकसभा, हाँ वो सारा जो है बातचीत वहां पर होगी, मंत्री उनसे, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनसे लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर उनसे सवाल पूछेंगे। लोकसभा मंत्री परिषद के प्रति या मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। नोट कर लो, नोट कर लो एक बार फिर दोबारा जिस संदर्भ में सारा। हाँ भाई, उन्होंने जवाब दिया, एक बार नोट कर लो फिर दोबारा मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना, एक बार नोट कर लो इसको। देखो सारी चीज समझाता हूं मैं किस तरीके से है। ये तो कौन हो गया? स्पीकर है ना? ये तो कौन हो गया? जैसे ये मान लो आपकी लोकसभा है, और ये हो गया आपकी राज्यसभा, यहां जो है चेयरमैन होता है, यहां कौन होता है? चेयरमैन, ये चेयरमैन हो गया। कौन होता है चेयरमैन राज्यसभा का?
आवाज ऐसे किसकी आ रही है? देखो अब ध्यान से समझना आप लोग जो है कैसे इसकी जो प्रशासनिक शक्तियां होती है वो किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये होगी आपकी राज्यसभा, ये बीच में ऐसे किया नहीं, ये मान लो मंत्री हो गए या मंत्री परिषद हो गई, मंत्री हो गए, ये बाकी के सदस्य हो गए। इस तरीके से एक बड़ा सा हॉल है, उसमें जो है ऊपर स्पीकर या तो नहीं लिखी जाती है, इसको पदाधिकारी इंग्लिश के साथ लिखते हैं, सभापति अध्यक्ष, और इसको क्या बोलते हैं? सभापति। देखना ये स्पीकर हो गया, अध्यक्ष हो गया, ये सदस्य बैठे हुए हैं, इनके बीच बीच में मंत्री बैठे हुए हैं। सदस्यों ने मंत्रियों से क्वेश्चन पूछे कि आपने जो है हमने जो है आपको 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे या संसद से हमने आपको 10,000 करोड़ रुपए दिलवाए थे, आपने उनका क्या किया? ठीक है, ये खड़े होकर जवाब देंगे क्या कि हमने 2,000 करोड़ का ये मेटेरियल लाई, 1,000 करोड़ ये वहाँ किया, तो इनको क्या कहना पड़ता है? ये सदस्य तो क्या पूछेंगे क्वेश्चन, सदस्य तो क्या पूछेंगे क्वेश्चन, और मंत्री क्या देंगे इनके आंसर, मंत्री क्या देंगे इनके जवाब देते रहेंगे। आइए बात समझ में, अब मान लो सदस्यों ने क्वेश्चन पूछा, हाँ हाँ बोलो, नहीं नहीं सभापति को केवल अनुमति देगा, हाँ अनुमति लेकर, हाँ क्वेश्चन अनुमति लेकर ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? सदस्य। उत्तर कौन दे रहा है? मंत्री। अब मान लो ऐसी समस्या आ गई कि सदस्य ने क्वेश्चन पूछा और मंत्री ने जवाब नहीं दिया, ठीक है, अब इस समय संसद के पास पावर क्या है? संसद के सारे सदस्य मिले और उनमें से आधे से ज्यादा ने यह कह दिया कि हम लोग इन मंत्रियों को नहीं रखेंगे, यह मंत्री सही नहीं है, आगे बात समझ में, हम इनको हटाना चाहते हैं, मंत्रियों को हटाना चाहते हैं, तो ये हटाने से संबंधित जो भी प्रस्ताव लाएंगे उस प्रस्ताव को हम लोग क्या बोलेंगे? अविश्वास प्रस्ताव। आगे क्या बात समझ में? अब दोबारा उन दो लाइनों को बांधना, उन दो लाइनों को दोबारा देखना, मंत्री परिषद या मंत्री लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं, इनको जो है लोकसभा इनके प्रति क्या ला सकती है? अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। आगे क्या बात समझ में? अभी चलिए ठीक है, रफ्तार हो गई, नेक्स्ट आता है आपका विविध शक्तियां या अन्य शक्तियां यानी एक, हाँ क्या क्या करें, हाँ विपक्ष वाले पूछते जरा, विपक्ष वाले क्या पूछेंगे, और देखो धरातल वाली बात तो यह है एक्चुअल में कि जो है पक्ष वाले जब चाहेंगे तभी हटाएंगे, हैं क्यों, बहुमत तो उनके पास ही आएगा, तो बस तो सीधी सी बात, ये तो पढ़ने वाली बातें हैं सारी, हैं ये तो पढ़ने वाली बातें हैं सारी जो पढ़ रहे हैं, बस बाकी एक्चुअल में यही होता है कि जो बहुमत है मंत्रिपरिषद उसके रहेंगी, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव लाओ कुछ भी लाओ, जो आपकी पार्टी वहां पर सरकार में है या जिस पार्टी की सरकार है मंत्रिपरिषद उसकी इच्छा से हटेंगे और उसकी इच्छा से बनेंगे, सही है। अन्य शक्तियों में जो है हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पहली आर्टिकल 54 के अनुसार, आर्टिकल को बोलते हैं अनुच्छेद आपके हिंदी में, अनुच्छेद 54,
लोकसभा राज्यसभा व राज्य विधानसभा व राज्य विधानसभा राष्ट्रपति को चुनते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे बात करते हैं, हेलो, इसको अन्य शक्तियां हैं, लेकर अभी पांचवा नाम मतलब अन्य शक्ति में दूसरा और टॉपिक आपको पढ़ेंगे, निर्वाचन संबंधी पॉइंट से मतलब निर्वाचन संबंधी। निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 54 के अनुसार जो है लोकसभा राज्यसभा व राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। आगे क्या निर्वाचन संबंधी संख्या समय में हेलो सीधा सा है अनुच्छेद 54 के अनुसार तो लोकसभा राज्यसभा व राज्य विधानसभा राष्ट्रपति को चुनती है और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ये हो गया निर्वाचन संबंधी शक्तियां। उतार लो अन्य शक्तियां में क्या क्या है देख लेते हैं। संसद जो किस किस के खिलाफ संसद जो है राष्ट्रपति किस किस को हटा सकती है संसद देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज को जजों को महाभियोग द्वारा हटा सकती है आगे के बाद समझ में महाभियोग द्वारा हटा सकती है। महाभियोग यानी कि जो है आपका कोई अगर राष्ट्रपति ने कोई गलत कर दिया या कुछ गलत कह दिया तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हटाने के लिए कोई कहां लोकसभा की मेजोरिटी और राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी उसके बाद जो है राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं महाभियोग कहते हैं। उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं महाभियोग कहते हैं। इमरजेंसी के समय
हाँ जी, एक बार इमरजेंसी आई थी देखने को। इमरजेंसी के समय वे जानते तो ही मतलब तो इमरजेंसी का। इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल है ना, आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा के बाद आपातकालीन घोषणा के बाद एक महीने के भीतर यह प्रस्ताव संसद द्वारा पारित होना चाहिए। मान लो कोई अपने युद्ध जैसी कंडीशन आ गई है, युद्ध जैसी समस्या आ गई है ना, तो वहां अचानक तो हम ये है नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल को पास करवाएंगे तब तक तो युद्ध हो जाएगा। तो उस समय तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा लागू कर सकता है, लेकिन फिर उसके एक महीने के भीतर भीतर यह प्रस्ताव जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाना चाहिए। और ये कितने महीने तक? 6 महीने तक वैलिड है, 6 महीने तक वैलिड का मतलब लागू है। नोट करो, ये हो गई आपके संसद की शक्तियां व कार्य, समझ गए? नोट कर लिया, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लो, लिखो। संसद के कार्य व शक्तियां बताइए, संसद के कार्य व शक्तियां बताइए, संसद के कार्य व शक्तियां बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये संसद के कार्य व शक्तियां होगी, आगे बढ़ेंगे हम लोग लोकसभा के कार्य व शक्तियां। तब तक के लिए क्लास को एंड करते हैं। ओके बाय, सी यू लेटर।